नमस्कार दोस्तों, अनंत क्लास में मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर ईवीएस की क्लास लेकर आपके सामने हूँ। हम लोग आज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्लास फोर, जिसमें मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी इन चारों में से कौन सा नहीं है, ये किसके लिए बात हो रही है, हमारे बॉडी के लिए। पहला ऑप्शन है फैट, सेकेंड इज विटामिन, सी इज प्रोटीन एंड डी इज कार्बोहाइड्रेट। चार ऑप्शंस हमारे पास जो है, इसमें बात किसकी करी है, नॉट की। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है यह बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या हो गया, बी विटामिन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अब आप कहोगे कि ये तो बॉडी के लिए जरूरी है, बट आप कैसे कह रहे हो कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो रीजन है, इसका कॉन्सेप्ट है ये कि विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ओके, एज दे आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन्स एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड ही नहीं होते हैं। एक होता है ना कि हमारे बॉडी में विटामिन्स को स्टोर होना चाहिए, स्टोरेज का काम हमारे बॉडी में नहीं करता है, इसलिए इसको एनर्जी का सोर्स नहीं कहा गया है। तो विटामिन का आखिर काम क्या है, कहता है क्या कि विटामिन्स आर इसेंशियल एज ए कैटलिस्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम थ्री मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहाँ देख रहे हो आप, बात हो रही है क्या, कहता है क्या कि विटामिन्स एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बट वह एक माध्यम है एनर्जी को हमारे शरीर में स्टोर करने का, जो बाकी देते हैं थ्री मेजर सोर्सेस जो एनर्जी की है उसमें वह किसका काम करता है, एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। हम जो भी खाना खाते हैं जिसमें, जैसे कि आलू हुआ या फैट की चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसमें थ्री प्रोटीन एनर्जी, इन्होंने कौन सी बताई है, फैट प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर जो होती है वो थ्री मेजर पार्ट हैं, वो कौन है, फैट है, प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट है, ओके। अब कहता है कि तो विटामिन्स का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो विटामिन्स इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, क्यों, क्योंकि वह एक कैटलिस्ट का काम करता है इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम थ्री मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी कहाँ से हमारी बॉडी को मिलती है, फैट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो जो हम खाना खाते हैं उसका ये नहीं है कि वो डायरेक्टली हमें कार्बोहाइड्रेट दे देता है, उसमें फैट प्रोटीन हमारे हमें डायरेक्ट मिलता है बॉडी में, नहीं, जो विटामिन्स होते हैं, जिस जो भी फूड से हमें विटामिन्स मिलते हैं, तो उसमें कह रहा है विटामिन क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, ताकि जो भी फूड हमने खाया रिलेटेड टू फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जाता है, तो उसको वह क्या करता है, उस फूड में से उसको कैटलिस्ट का काम करके रिलीज करता है एनर्जी और हमारे बॉडी को देता है। क्लियर इस बात को, तो कभी भी इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि विटामिन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, विटामिन डू नॉट हैव प्रोवाइड एनर्जी एज दे आर स्टोर्ड, दे आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। क्लियर है कि क्योंकि विटामिन हमारे शरीर में स्टोर ही नहीं होता है, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। वो क्या क्या काम, किसकी तरह से काम करता है, वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है हमारे बॉडी में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कभी ये कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, विटामिन हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करता है, एज अ कैटलिस्ट। यहाँ कैटलिस्ट का काम क्या हो गया, वह रिलीज करता है एनर्जी फ्रॉम थ्री मेजर सोर्सेस, वो कौन सी है, फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, इसका आंसर तो हो गया हमारा, कौन सा है, विटामिन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इनके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल में, नए हैं तो फटाफट उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।